नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार्ट इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बोनस स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। आज ही के दिन, जी हां दोस्तों, 6 अगस्त के दिन कंपनी ने एक ज़बरदस्त घोषणा कर दी है कि कंपनी जो है 1:1 का बोनस यहां पे देने वाली है। यानी कि अगर आप कंपनी का आपके पास एक शेयर तो एक फ्री में मिल जाएगा। मल्टीबैगर शेयर है दोस्तों, इसके रिटर्न्स की प्रोफाइल दिखाऊंगा तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और उसके बाद जब आप लोगों को दिखाऊंगा कि FII ने यहाँ पे कितना ज़बरदस्त शेयर होल्डिंग उठा रखा है, वो भी आप लोगों को मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में इस बोनस शेयर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, केवल बोनस स्प्लिट या डिविडेंड के लिए कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। लेकिन इस शेयर को आप लोगों को ख़रीदने का ज़रूर मन करेगा, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं, इसका बिजनेस बहुत अच्छा है, ऑपरेशन इसका बहुत अच्छा चल रहा है, प्रोडक्ट की डिमांड है। तो सारे के सारे जो पैरामीटर्स होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो ये मान लीजिए एक सर्वगुण संपन्न ये शेयर है। जी हाँ दोस्तों, सर्वगुण संपन्न शेयर है ये। कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो कि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं रिटर्न से। तो यहाँ पे देखेंगे, एक साल के दौरान 310% के रिटर्न कंपनी ने जनरेट करके दिए हैं पिछले एक साल के दौरान। 3 सालों में देखेंगे तो 386%, यानी कि ऑलमोस्ट 4 टाइम्स कर दिया है अपने शेयर होल्डर के पैसों को। ऊपर से बोनस मिल गया है तो सोने पे सुहागा यहाँ पे हो गया है। तो चलिए रेवेन्यू, अब बोनस की तो बात रही लेकिन कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बताना चाहूँगा। अब मेनली बताना चाहूँगा, ये कंपनी ट्यूब्स से रिलेटेड कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, एक हिंट मैंने आप लोगों को दे दिया, ट्यूब्स से रिलेटेड ये कंपनी है। कंपनी का आप लोग देखेंगे तो रेवेन्यू हर साल इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। 2019 में 7,152 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ था, 2020 में 7,723 करोड़ रुपए का, और 2021 में 8,499 करोड़ रुपए का। यानी कि हर साल कंपनी के रेवेन्यू जो हैं बढ़ते गए हैं, और यही एक कंपनी की खासियत होती है, अच्छी कंपनी की खासियत होती है। चलिए नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं। यहाँ पर नेट प्रॉफिट देख लीजिए आप लोग, 2019 में कितना था, मात्र 148 करोड़ रुपए का। 2020 में देखेंगे तो 256 करोड़ रुपए का, और 2021 में 407 करोड़ रुपए का। अगेन नेट प्रॉफिट भी कंपनी का अपर डायरेक्शन में मूवमेंट होता चला जा रहा है। मैं हमेशा यही पैरामीटर रखता हूँ, कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हो रहा हो, नेट प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट हो रहा हो। जब कंपनी का नेट प्रॉफिट निकलेगा तभी तो कंपनी को फ़ायदा होगा, और जब कंपनी को फ़ायदा होगा तो इसके शेयर प्राइस में अपने आप उछाल देखने के लिए आप लोगों को मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो रही बात रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट की, अब मैं आप लोगों को शेयर होल्डिंग पैटर्न बताना चाहता हूँ। प्रमोटर ने पिछले साल के दौरान थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज़ दिखाया है, लेकिन इतना ज़्यादा डिक्रीज़ यहाँ पे आया नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो 2020 में प्लेज शेयर थे वो प्लेजिंग हटा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, प्लेजिंग जीरो है, और प्रमोटर के पास 37% के करीब की शेयर होल्डिंग है। अगर FII के पास देखा जाए तो FII ने यहाँ पे अच्छा खासा माल उठाया है, और आप लोग देख सकते हैं जो दिसंबर 2020 में 17% थे, मार्च 2021 में 24%, और जून 2021 के क्वार्टर में ऑलमोस्ट 26%। यानी कि FII जो कि इतने बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, प्रॉफिट इनको बनाना होता है आप लोगों को पता ही है, तो इन लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर्स उठा रखे हैं इस कंपनी के। कंपनी का नाम आप लोगों को बताना चाहूँगा, APL अपोलो ट्यूब्स। जी हाँ दोस्तों, APL अपोलो ट्यूब्स। अब जो लोग स्किप करके इस वीडियो को देखेंगे उनको पता नहीं चलेगा, लेकिन जो थॉरोली इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको यहाँ पे कंपनी का नाम पता लग गया होगा। एक चीज़ कहना चाहूँगा, नेगेटिव पॉइंट है थोड़ा सा कि यहाँ पे जो DII है, इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग डिक्रीज़ की है, और DII के पास 9.5% के करीब की शेयर होल्डिंग है। वहीं पब्लिक के पास देखेंगे आप लोग तो पब्लिक के पास 28% की शेयर होल्डिंग रह गई, जो कि पहले कभी 47% रहा करती थी। और कहाँ चली गई शेयर होल्डिंग, आपने देखा FII ने शेयर होल्डिंग बाय यहाँ पर की है इस पर्टिकुलर शेयर की। और कंपनी की अगर हम लोग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कंपनी के अंदर जो है प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा आया है। आप लोग देख लीजिए, आज ही के दिन का लेटर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि आज ही के दिन यानी कि 6 अगस्त के दिन कंपनी ने घोषणा करी है किसके बारे में, बोनस के बारे में। आपके शेयर्स यहाँ पर डबल हो जाएंगे, और शेयर होल्डर की जो है लॉटरी यहाँ पर
लग चुकी है। तो प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए, कंपनी की अच्छी खासी प्रॉफिट ग्रोथ है। अगर देखा जाए यहाँ पे एक साल के दौरान तो 33% की प्रॉफिट ग्रोथ, 3 साल के दौरान लगभग 11% और 5 साल के दौरान लगभग 38% की प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने के लिए मिली है। तो कंपनी के अंदर अच्छा खासा उछाल इसके रेवेन्यू में, प्रॉफिट में देखने के लिए हमें मिल रहा है। अब मैं आप लोगों को कंपनी का नाम बताना चाहूँगा। कंपनी का नाम है APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। अब कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए, 21,883 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी हाई है, क्योंकि जैसे ही बोनस की न्यूज़ यहाँ पे आई थी शेयर के अंदर अच्छा खासा उछाल आया था। 2 रुपए के फेस वैल्यू वाला ये शेयर है। अगर कंपनी के अंदर डेट देखा जाए तो मात्र 487 करोड़ रुपए के डेट हैं, और कैश देखेंगे तो 344 करोड़ रुपए का कैश है। तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर आप कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 11.5% का, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.5% का है। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में पहले ही आप लोगों को बता दिया है, सेल्स ग्रोथ लगभग 1.5% के आसपास की। तो कंपनी के जो पैरामीटर हैं काफ़ी अच्छे खासे हैं। अब जैसे कि मैंने कहा था, ट्यूब्स मैन्युफैक्चरिंग में ये कंपनी इंडिया की ऑलमोस्ट लीडिंग कंपनी है। एक ब्रांडेड स्टील के प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। मेनली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कौन से सेक्टर में इसके जो प्रोडक्ट हैं यूज़ में आते हैं। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है वहाँ पे आते हैं, हाउसिंग, इरिगेशन, सोलर प्लांट्स ही देख लीजिए, सोलर प्लांट्स काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउसेस एंड इंजीनियरिंग के सेक्टर में। तो स्टील के ट्यूब्स या स्टील के पाइप्स ये कंपनी बनाती है, और आप लोगों को पता है आज की डेट में स्टील के प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए इस शेयर के अंदर आप लोगों को प्रॉफिट ही प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। और ऊपर से कंपनी ने जो है बोनस भी डिक्लेयर कर दिया है, वो भी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आप लोगों को। उससे पहले यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि कौन कौन सी मेनली कैटेगरीज के ये प्रोडक्ट जो हैं मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये देख लीजिए, अपोलो स्ट्रक्चरल, अपोलो जेट, अपोलो ट्राइकोट एंड अपोलो गैल्व। तो ये इनका परसेंटेज वाइज यहाँ पे दिखा भी रखा है कि किस सेक्टर से इनको कितना रेवेन्यू जनरेट होके आता है। जैसे अपोलो स्ट्रक्चरल से 63%, अपोलो जेट से 18%, अपोलो ट्राइकोट 15% एंड अपोलो गैल्व जो है 4%। ये इनकी प्रोडक्ट की पोर्टफोलियो है। और साथ ही साथ ये देख लीजिए कौन कौन से फील्ड में काम हो रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था, बिल्डिंग बन रही हो, हाउसेस बन रहे हो, वेयर हाउसेस हैं, फैक्ट्रीज हैं, स्काई स्क्रैपर्स एंड इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। तो ये मान लीजिए आप लोग, जैसे कि मैंने पहले बताया ही था, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में जैसे कि इरिगेशन के लिए आप लोगों को यहाँ पे पाइपलाइन बिछानी है तो इनके ट्यूब्स काम में आते हैं, सोलर प्लांट्स आप लोगों को लगाने हैं तो इनके ट्यूब्स काम में आते हैं, बिल्डिंग्स बनानी है तो इनके ट्यूब्स काम में आते हैं। तो APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड, जैसे कि मैंने बताया, कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे जो है रिटर्न्स बना के दिए हैं ओवर दी लॉन्ग रन। ये मैंने मैक्सिमम चार्ट इसका लगाया है। अब ज़्यादा पुरानी ये कंपनी है नहीं, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ यहाँ पे। ये देख लीजिए, 1,745 रुपये पर ये शेयर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, और 6,105% के रिटर्न कंपनी जो है जनरेट करके दे चुकी है ओवर दी लॉन्ग रन, यानी कि 61 टाइम्स। अब सोच लीजिए, 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते अगर किसी शेयर होल्डर ने यहाँ पे, तो 61 लाख रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया होता ओवर दी लॉन्ग रन इस कंपनी ने, APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये देख लीजिए, पिछले 5 सालों के दौरान 829% के रिटर्न दिए हैं। एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन में जो है 4 लिंक दिए गए हैं यहाँ पे, अपस्टॉक, जीरोदा, एंजल ब्रोकिंग एंड एलिस ब्लू। चारों के लिंक पे क्लिक करें, अकाउंट ओपन करें और एंजॉय करें चारों की सर्विसेज। चलिए अब मैं आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट दिखाना चाहूँगा जो कि कंपनी ने फाइल किया है बोनस के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए, APL अपोलो स्टील पाइप्स और 6 अगस्त 2021 का ये लेटर है, जो कि BSE और NSE दोनों को लिखा गया है, क्योंकि दोनों जगह ये कंपनी लिस्टेड है। आज बोर्ड मीटिंग थी कंपनी, उसी का ये आउटकम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 6 अगस्त 2021। चलिए तो मैं आप लोगों को जो सबसे इम्पोर्टेंट हमसे रिलेटेड यहाँ पे वो बताना चाहूँगा, रिकमेंडेशन ऑफ इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स
इन द प्रपोर्शन ऑफ वन इक्विटी शेयर्स हेल्ड फॉर वन इक्विटी शेयर्स, मतलब एक शेयर जिसकी कि 2 रुपए की फेस वैल्यू है, अगर वो आपके पास एक है तो एक आपको फ्री में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ, ज़्यादा क्लियरली जहाँ पे कंपनी ने बता रखा है वो भी आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्मेट में कंपनी ने समझा रखा है, ये देख लीजिए। बोनस रेशियो, किस रेशियो में बोनस दे रही है कंपनी? 1:1, यानी कि एक शेयर पे एक शेयर फ्री, 100 शेयर पे 100 शेयर फ्री और 1000 शेयर पे 1000 शेयर फ्री, 2 रुपए की फेस वैल्यू वाला ये शेयर है। इसके लिए एक रिकॉर्ड डेट डिसाइड की जाती है जो कि कंपनी ने अभी डिसाइड नहीं की है। जैसे ही शेयर होल्डर का अप्रूवल यहाँ पर आ जाता है, कंपनी एक रिकॉर्ड डेट डिसाइड करती है, और जैसे ही हम लोगों को ये रिकॉर्ड डेट पता लगती है तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता लग जाएगा। रिकॉर्ड डेट से पहले एक एक्स डेट होती है, और एक्स डेट से एक दिन पहले अगर आप लोग शेयर्स को लेते हैं तो तब जाके आप लोग एलिजिबल होते हैं बोनस के लिए, स्प्लिट के लिए और डिविडेंड के लिए। तो यहाँ पे इन बोनस मिल रहा है, तो जैसे ही रिकॉर्ड डेट आएगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, जिसमें कि एपीएल अपोलो की एनालिसिस करके आप लोगों को दिखाई और साथ ही साथ बोनस की न्यूज़ आप लोगों को दिखाई। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आज का ये वीडियो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।